पैड़ी, मायापुर, कनकाल, ऋषिकुल, ज्वालापुर, आवास विकास कॉलोनी, गोविंदपुरी, जगजीतपुर सहित अन्य क्षेत्रों को सीवरेज सहित पेयजल, पार्किंग आदि की जो समस्या है, उस समस्या से इन योजनाओं के पूरा होने पर निजात मिलेगी, लोगों को सुविधा होगी। भाइयों बहनों, आज जिन योजनाओं का भी यहाँ पर आप सबके समक्ष लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, वो हमारी मातृशक्ति का ही प्रतिबल है, उनका ही आशीर्वाद है। आप सभी के आशीर्वाद के कारण से आज प्रदेश के अंदर हम पूरी तन्मयता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मनोयोग के साथ काम कर पा रहे हैं। साथ ही आज के कार्यक्रम में मैं जब अपनी माताओं बहनों के बीच में आ रहा था तो उनके चेहरों की मुस्कान देखकर मैं कह सकता हूं कि हमारा संपूर्ण प्रयास होगा कि आपकी ये मुस्कान हमेशा हमेशा बनी रहे। आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी जो अपेक्षाएं हैं, आपकी जो आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं के लिए, उन अपेक्षाओं के लिए हम संपूर्ण मनोयोग से पूरे क्षमता और जितनी हमारे अंदर ताकत है उस ताकत से काम करेंगे। हम उस संस्कृति के साधक हैं जहां पुरुष की परिकल्पना हमारी नारी के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती है। हमारे यहाँ जहाँ एक ओर अर्ध नारीश्वर की पूजा की जाती है, वहीं माँ जगदम्बा को इस सृष्टि का मूल माना जाता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसी समाज या किसी राज्य की जो रीढ़ है उसकी सशक्त मातृशक्ति है, सशक्त महिलाएं हैं। अगर किसी राज्य की नारी शक्ति प्रगति कर रही है तो राज्य का विकास सुनिश्चित है, उसको कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। वो राज्य आगे बढ़ेगा, वो देश भी आगे बढ़ेगा। हम सभी जानते हैं कि प्रारंभ से ही हमारे प्रदेश के निर्माण में, जब उत्तराखंड राज्य बना है, उस राज्य के निर्माण में हमारी जो मातृशक्ति है उसका बहुत बड़ा योगदान है। मातृशक्ति यहाँ बहुत संघर्ष भी करती है। एक ओर जहाँ प्रदेश ने, हमारी मातृशक्ति ने पूरे प्रदेश के अंदर विपरीत परिस्थितियों में जीना सिखाया है, जूझना सिखाया है, वहीं दूसरी ओर हर परिस्थिति में उनको जीतना भी सिखाया है, उनको आगे बढ़ना भी सिखाया है। हम कह सकते हैं आज जितने सारे उद्यम हमारी मातृशक्ति कर रही है वो वास्तव में हम सब लोगों के लिए एक उदाहरण है, भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि राष्ट्र निर्माण में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में आज महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं। हमारी संस्कृति में कहा गया है नारी तू नारायणी, परंतु कुछ आक्रांताओं के प्रभाव के कारण समाज का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण जो है बदला गया। इसका परिणाम महिलाओं के साथ किए जाने वाले अनेक अपराधों के रूप में सामने आया, अनेक कुरीतियों के रूप में सामने आया। परंतु अब समय आ गया है कि महिलाओं के खिलाफ जो कुरीतियां हैं, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध हैं, उनके मन में अब जो लोग अपराध करने वाले हैं, जो इस प्रकार का अन्याय करने वाले हैं, उनके मन में भय पैदा किया जाए। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम निरंतर इस प्रयास में लगे हैं कि महिलाओं के जीवन स्तर को जितना अधिक ऊपर उठाया जा सकता है, जिनको जितना उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, जिनको जितना ज्यादा उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है वो करा जाए। इस प्रक्रिया के तहत राज्य के अंदर हमने सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण हमारी मातृशक्ति के लिए उत्तराखंड की सभी नौकरियों में सुनिश्चित किया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं, लखपति दीदी योजना, आवास देने की योजना, अनेकों योजनाओं पर लगातार काम हो रहा है। आज इस कार्यक्रम में जो हमारी मातृशक्ति है उनके द्वारा जो स्थानीय उत्पादों के लगाए गए स्टॉल, महिलाओं द्वारा जो प्रदेश के अंदर अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान दिया जा रहा है, वो हमारे सामने आज उसको प्रदर्शित कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि इस अमृत काल में, जो हमारे लिए अमृत काल कर्तव्य काल भी है,
हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। उनका सपना है सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को उन्नत रूप से विकसित करते हुए, जो हमारे भविष्य के नौनिहाल हैं, जिनसे आज हम सब मिले तो उनके चेहरों पर खुशी देखकर निश्चित रूप से मन आनंदित हो गया कि उनके मानसिक एवं शारीरिक रूप से सशक्त बनाने हेतु सभी प्रकार की सुविधाएं हमारी आंगनबाड़ी केंद्रों में बनाई जाएं। इस दिशा में उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हुए ड्रीम प्रोजेक्ट तारा की शुरुआत करना हरिद्वार प्रशासन की, हरिद्वार जिले के सभी अधिकारियों की आधुनिक पहल है। इस उत्कृष्ट प्रयोग के अंतर्गत 150 आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक व तकनीकी रूप से समृद्ध बनाते हुए प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में स्मार्ट टीवी, बच्चों के फर्नीचर, खिलौने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रणाली की बारीक ट्रेनिंग दी जा रही है। मुझे खुशी है कि उन्नत प्रोजेक्टों के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के 3000 बच्चों एवं 300 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सीधे लाभान्वित किया जा रहा है। मैं हरिद्वार प्रशासन की इस सराहनीय पहल के लिए, जो उन्होंने एक विशिष्ट कार्य यहाँ से प्रारंभ किया है, उसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूँ कि वो प्रदेश का, हरिद्वार हमारा ऐसा पहला जिला बन गया है जिसने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अमृतकाल की आंगनबाड़ी के सपने को मूर्त रूप देने का बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। मैं इसके लिए सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ ही आज सहकारिता के अंतर्गत हमारी सरकार ने हरिद्वार में मीठी गंगा नामक एक और महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत भी की है, जिसमें अधिकतर हमारे घरों की महिलाओं के द्वारा शहद उत्पादन एवं उनके विपणन का कार्य, उनकी बिक्री का कार्य किया जाएगा। मैं आप सभी से आज इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि हम अपनी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का अगर हम प्रयास करेंगे, संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे, तो महिलाओं को होम मेकर के साथ साथ नेशन मेकर के रूप में भी हम सब लोग आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि तभी हम सही अर्थों में अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने जिले का, अपने ग्राम सभा का, अपने मोहल्ले का विकास कर पाएंगे। भाइयों बहनों, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी 22 जनवरी को जिस प्रकार से भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, हम सब उस पल के साक्षी बने हैं। उसी प्रकार से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, महाकाल लोक का कॉरिडोर, बाबा बद्री विशाल का पुनर्निर्माण, मास्टर प्लान, केदारनाथ जी का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण का काम, हेमकुंड और केदारनाथ जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास, इस बात का सबूत है कि हमने जो कहा था वो किया है। हम उसको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। अब हम हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर का जो निर्माण कार्य है, कराए जाने का प्रस्ताव भी तैयार कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक डेडलाइन भी रखी हुई है, एक समय सीमा रखी हुई है कि इस समय सीमा में हम हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर का निर्माण कार्य करेंगे, क्योंकि हम अयोध्या, काशी विश्वनाथ और महाकाल लोक की तरह हर की पैड़ी कॉरिडोर को भी विश्व के मानचित्र पर एक अलग पहचान दिलाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। हमने आप सबके बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे भाई बहनों के भविष्य के लिए, प्रदेश के अंदर जो नकल विरोधी कानून यहाँ पर बनाया है, उसके कारण से अब हमारे सभी घरों के बेटे और बेटियां, जिनके अंदर प्रतिभा होगी, क्षमता होगी, योग्यता होगी, उनको अब वही आगे आने से रोक नहीं पाएगा जो अभी तक उनके हक को मारा जाता था। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ अभी आदरणीय निशंक जी बोल रहे थे, आदरणीय मदन कौशिक जी बोल रहे थे कि हमने समान नागरिक संहिता का विधेयक लागू करके ये बता दिया है कि जो भी हम वादा करेंगे उसे हर हाल में निभाएंगे। हमें 21वीं सदी के तीसरे दशक को महिला सशक्तिकरण को समर्पित दशक बनाना है। इस दशक को महिलाओं को समर्पित करने के लिए हम हर वो कार्य कर रहे हैं
जो हमें करने चाहिए। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं ये समान नागरिक संहिता का जो ये विधेयक हम लेकर आए हैं, जो एक्ट के रूप में यहाँ लागू होने वाला है, ये हमारी बहुत पुरानी अवधारणा है और हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब उन्होंने संविधान बनाया था उस समय उसके अनुच्छेद 44 में इसकी व्यवस्था की गई थी, इसका प्रावधान किया गया था कि देश के अंदर ये कानून कभी भी लागू हो सकता है। हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करते हुए उत्तराखंड के अंदर, जैसे आप सबके बीच में से निकलकर माँ गंगा जाती है, गंगोत्री से निकलती है और पूरे देश को अभिसिंचित करने का काम करती है, कहीं जल देने का काम करती है, कहीं जीवन देने का काम करती है, कहीं सींचने के काम आती है, कहीं आचमन के काम आती है। उसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड राज्य से जो ये समान नागरिक संहिता की समानता की गंगा निकली है, वह भी संपूर्ण देश को निकट भविष्य में सींचने का काम करेगी। हमने इसको यहाँ लागू कर दिया है, हमारी अपेक्षा है कि अन्य प्रदेश भी इसको लागू करें। परंतु कुछ प्रश्न भी हैं कि यह सब कुछ पिछले एक दशक में ही क्यों हुआ। बहुत सारे काम, चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 का समापन हो, या हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनको 3 तलाक से मुक्ति हो, या हमारे जो प्रमुख धार्मिक स्थल है उनका नवनिर्माण हो, सुधारीकरण हो, या इसके साथ साथ अभी अभी हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। क्यों हमने इस विषयों को, ये सारे विषय केवल और केवल भाषणों तक ही सीमित कर दिया? क्यों नहीं हम महिला सशक्तिकरण को गवर्नेंस का मॉडल बना पाए? मैं बताना चाहता हूं कि हम क्यों नहीं बता पाए। दशकों तक इस देश पर राज करने वाले एक विशेष दल ने सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की राजनीति कर वोट बैंक तक अपने आप को सीमित कर दिया था। लेकिन हमारे लिए वोट बैंक से ज्यादा जो हमने जनता से वायदे किए हैं उनको पूरा करना है, वो हमारी प्राथमिकता भी है, वो हमारे संकल्प भी है। भाइयों बहनों, विपक्षी दलों को हमारे द्वारा वादों को जो हम पूरा कर रहे हैं, जो आप सबसे हमने वायदा किया है, जो हमने संकल्प लिया है, उन संकल्पों को हम पूरा कर रहे हैं, उसको भी खलल करने का काम ये उनके उसमें भी षड्यंत्र के तहत तमाम प्रकार के ऐसे काम कर रहे हैं, लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। जब हम उनसे पूछते हैं अरे भाई इसमें कमी क्या है, विधानसभा के अंदर लंबी बहस हुई, सार्थक चर्चा हुई, कोई इसके विरोध में कुछ नहीं बोल पाया, समर्थन भी नहीं कर पाए। अरे भाई क्यों, जब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो आइए राजनीति छोड़कर सर्वसम्मति से इसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। आज पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल है कि उत्तराखंड राज्य ने एक काम ऐसा आगे बढ़ाया है जो बाबा साहब उस समय चाहते थे जब भारत का संविधान बन रहा था। अभी अभी आपने देखा होगा हल्द्वानी में जिस तरह अराजक तत्वों के द्वारा हमारे पुलिस कर्मियों पर, हमारे पत्रकार भाइयों पर और विशेष करके हमारी जो पुलिस की महिला जवान थी, महिला पुलिस कर्मी थी, उनके ऊपर जिस प्रकार से हमला किया गया उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हम इसे किसी भी सूरत में देवभूमि के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस षड्यंत्र को रचने वाले कुछ लोग लगातार पुलिस उनको पकड़ने का काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है और जो भी इस षड्यंत्र के पीछे थे उन्हें भी जल्द जनता के सामने लाया जाएगा। भाइयों बहनों, ये जो बनभूलपुरा है, ये बनभूलपुरा में जो एक बगीचा था, जो अतिक्रमण, जिस पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें कई एकड़ भूमि निकली है, वो भूमि जहां पर आगजनी हुई है, जहां पर पथराव हुआ है, जहां पर उपद्रव किया गया है, जहां हमारे पुलिस कर्मियों के साथ सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को भी आग में झोंकने का काम किया है, मैं आज इस मां गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूं कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा, पुलिस का थाना बनाया जाएगा। आज ऐसे बहुत सारे काम हैं, ऐसे बहुत सारी चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों पर हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप राज्य के विकास और कल्याण के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमारा विकल्प रही संकल्प है उसके लिए काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके आशीर्वाद से, हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से,
निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी, हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों काम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर हमारा जो सम्मान बढ़ रहा है, हमारे देश की पहचान बढ़ रही है और हर विश्व के मंचों पर, हर विश्व के देशों में हमारी बात मानी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, आज प्रधानमंत्री जी की कूटनीतिक रणनीति के तहत जो कतर में हमारे देश के 8 भारतीय हिरासत में थे, पूर्व नौसैनिक थे, उनको भी कुशलता से वहां से रिहा करा दिया गया है, उनको भी भारत लाया जा रहा है। भाइयों बहनों, ऐसे बहुत सारे काम हमने आगे बढ़ाए हैं। अगर मैं उसकी चरूंगा, कल भी हमें हरिद्वार में हमारे सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी जी कई सारी योजनाओं के, यहाँ के जो हमारे कई सड़क बने, पुल बने, ओवरब्रिज बने, हाईवे बने, उनका लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। इसी साल हमने राज्य के अंदर जो आप सबकी लगातार मांग चल रही थी हमारे किसान भाइयों की, उस किसान भाइयों की मांग को पूरा करते हुए समर्थन मूल्य 20 रुपए पिछले साल से ज्यादा किया गया है। ऐसे अनेकों कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आज के अवसर पर आप सब जो इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं, आप सब लोगों ने जिस प्रकार से हमारे अंदर ऊर्जा और उत्साह का संचार किया है, निश्चित रूप से प्रदेश की सेवा करने के लिए हमें और ताकत मिलेगी और तेजी मिलेगी। मैं आप सब से कहना चाहता हूं कि हम सब के सामने हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा एक बात उन्होंने कही है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये शब्द हमारे लिए जहां प्रेरणा देते हैं, हमारे अंदर उत्साह भरते हैं, वहीं हम सबका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का बोध भी कराते हैं कि हमें अपने अपने कर्तव्यों का, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। हमारी जो माताएं बहनें आज बहुत सारे यहाँ पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, छोटे उद्यमों के माध्यम से अनेक प्रकार के उत्पादों का निर्माण, अनेक उत्पाद बना रहे हैं, उनको विपणन के लिए ठीक प्रकार से उनकी व्यवस्था होगी, सरकार के द्वारा अनेक रास्ते निकाले जा रहे हैं। अभी अभी हमने हाउस ऑफ हिमालय यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों लॉन्च करवाया था, उसका उद्घाटन करवाया था। उसके पीछे हेतु था कि हमारी बहनों के द्वारा, स्वयं सहायता समूह के द्वारा, हमारे छोटे बड़े उद्यमियों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनकी ठीक प्रकार से मार्केटिंग हो, ठीक प्रकार से उनको रास्ता मिले, जिससे हमारी मातृशक्ति का उत्थान हो, उनको सशक्तिकरण हो, उनका व्यापार बढ़े, रोजगार बढ़े, वो अपने पैरों पर खड़े हों, आत्मनिर्भर बने। हम ये काम निरंतरता से आगे भी बढ़ाएंगे। आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए हमारे जिलाधिकारी श्री धीराज गर्ब्याल जी, SSP श्री परमेंद्र डोभाल जी, श्री CDO प्रतीक जैन जी एवं समस्त हरिद्वार जिले के हमारे प्रशासन के सब अधिकारियों को भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी आज के इस सफल हमारा जो मातृशक्ति महोत्सव था उसका कुशल यहाँ पर कार्यक्रम सफल बनाने का काम किया है। आप सबका एक बार पुनः मेरे दाहिनी तरफ बैठे हुए हमारे सभी प्रतिनिधियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त